हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरण फैशन बुटीक। आज मैं आप लोगों को ट्राउज़र की कटिंग करना बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन का आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने ना 2 मीटर फैब्रिक लिया है और ये मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। लेंथ इसमें हमारी 36 है, उसमें हम मार्जिन का जो नीचे फोल्ड होता है वो 3 इंच ऐड करेंगे और हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। हमने 39 पे मार्क किया है, यहाँ नीचे हम 36 पे मार्क कर ले रहे हैं। स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हमारी वेस्ट है 36, तो 36 का हम 4 में डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 के बाद हम 2 ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। ये हमने 11 पे मार्क किया है। ये हिप साइज़ है, हिप साइज़ 40 है। 40 का भी हम 4 में डिवाइड कर देंगे तो 10 बचेगा। उसमें हम 2.5 इंच ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच ऊपर निकाल के। यहाँ पे ये हमने 10 पे मार्क किया है, फिर 2 इंच पे और मार्क कर लिया है। ये हमारा हिप साइज़ है। ये इसमें हम म्याने लगा रहे हैं, इसलिए हम इसमें क्रॉच एरिया का मार्क नहीं कर रहे हैं। क्रॉच एरिया का मार्क करना होता तो 2 इंच और हम यहीं हिप के बाद निकाल देते, वहाँ पे हम क्रॉच एरिया का मार्क कर देते। ये हम पूरा मिडल में मार्क कर ले रहे हैं। हिप साइज़ का जो आ रहा है ये पूरा 13 है, तो हमने 6.5 इंच 6.5 इंच पे तीनों जगह पे ये मार्क कर लिया है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमारा जो 36 था उसमें हमने उसका हाफ किया, 18 प्लस 5 कर दिया, तो ये हमने यहाँ पे नी का मार्क कर लिया है। अभी हम यहाँ पे नी का मार्किंग करेंगे। नी हमारा 17 है तो 17 का हाफ हम 8.5 लगाएंगे। 8.5 का भी हम हाफ इस साइड और हाफ दूसरे साइड लगा देंगे। नीचे एंकल, ये हमारा 12 इंच है तो 12 का हाफ करेंगे 6 और 6 का हाफ 3 दोनों साइड लगा दिया है हमने। और अब ये सारे मार्क हमने मैच करके ड्रॉ कर दिए हैं। ये देखिए, आप चाहें तो शेप फट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता है। ये हमारे पैंट की मार्किंग हो गई है। ये हमारा फ्रंट साइड है, इसमें जो फिटिंग है नी का और एंकल का, उसमें हमने ज़रा भी मार्जिन नहीं छोड़ा है, क्योंकि जो हम बैक पार्ट कट करते हैं उसमें हम 2 इंच का मार्जिन लेके कट करते हैं, तो वो फिटिंग ईजिली और एकदम बढ़िया से आ जाता है। अगर आपको एकदम नैरो पैंट सिलना है बिल्कुल फिटिंग का, तो आप इसी तरीके से कट कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा लूजिंग चाहिए है तो जो हम अभी कट करेंगे 2 इंच का मार्जिन देके, वो आप 3 इंच का 2.5 इंच का कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, ये बाकी का जो फैब्रिक है ये मैंने उसको रख लिया है डबल फोल्ड करके। अभी हम इसके ऊपर जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसको रख लेंगे इस तरह से। ये देखिए, फोल्डेड साइड जिस साइड होगा हमने उसी साइड रख लिया है। ऊपर हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए रखेंगे, क्योंकि जो बैक पार्ट होता है उसमें हम ऊपर की साइड 1 इंच थोड़ा सा ऐड करते हैं। ये देखिए, और हमने तिरछी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन देंगे, यहाँ पे भी 2 इंच का मार्जिन देंगे और नीचे भी 2 इंच का मार्जिन देंगे हम। ये देखिए, हमने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया है ऐसे मैच करके, और इसको भी हमने ड्रॉ कर दिया है। है ना कितना इजी ट्राउज़र पैंट कट करना। ये देखिए, अब हम इसमें म्यानी ऐड करेंगे, और अगर क्रॉच एरिया आप लगाते हैं तो यहीं पे आप 2 इंच निकाल के उसको क्रॉच एरिया यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। सी वाला लाइन जो होता है ना, वो हम वहीं पे ऐड कर देते हैं जहाँ हमने म्यानी का एक मार्क किया है ना, वहाँ।
ये देखिए हमने इसको कट कर लिया है, ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। अभी हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। इस वीडियो में मैं फ्रेंड्स आपको ट्राउज़र की कटिंग करना बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग भी बताऊंगी कि ट्राउज़र की स्टिचिंग कैसे करते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ में प्रॉब्लम हुई है समझने में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग हो गई है, ये देखिए। अब इसके बाद हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारे पास जो कपड़ा बच गया है इसमें से हम ट्राउज़र की पॉकेट की कटिंग करेंगे। इसकी पॉकेट के लिए हमें लेंथ 13 इंच चाहिए होती है और विड्थ हमें 5.5 इंच चाहिए होती है। ये देखिए हमने 13 इंच पे ड्रॉ किया है। यहाँ ऊपर की साइड हम 3 इंच पे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए। नीचे की साइड हमें 5.5 इंच चाहिए है। दोनों लाइंस को मिला के ड्रॉ कर लेंगे और इस साइड हम 1 इंच ऊपर कर देंगे। ये हम यहाँ पे थोड़ा सा राउंड देके कर देंगे ड्रॉ। ये देखिए होगी पॉकेट की कटिंग। तो फ्रेंड्स ये हो चुकी है हमारे पूरे ट्राउज़र की कटिंग। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग।